अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक न्यूज़ 4 के चैनल में खुश आमदीद है। यहाँ पर एक अमल दर्ज है बेवकूफ़ को अक्लमंद बनाने के लिए। कहते हैं कि ये नक्श मुश्को ज़ाफ़रान से लिख कर खिलाए, मादरजाद अहमद क्यों ना हो, यानी जिसका जहन कमज़ोर होता है, जिसको हम पागल बोलते हैं, उसका जहन काम नहीं करता, उसको पता नहीं होता क्या कर रहे हैं। एक तो होता है जानबूझ के बना होता है, वो नहीं जो हकीकत में अहमक होता है। जो जानबूझ के बना है उसको तो उसका कोई और इलाज है, ये इलाज है जो वाकई हकीकतन अहमक है, उसका दिमाग काम नहीं करता, अकल काम नहीं करती, पागल उसको बोलते हैं, चाहे वो पैदाइशी क्यों ना हो। कहते हैं उसको ये मुश्क और ज़ाफ़रान से लिख कर खिलाए, अगर मादरजात भी अहमक होगा ना तब भी इंशाल्लाह अक्लमंद हो जाएगा, मुजर्रब है। ये नक्शे आपके सामने यहाँ पर ऐसे ही आपने बना लेना है, इसको वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है, इसको ऐसे ही लिखें मुश्क और ज़ाफ़रान से, और ये नक्श आप उस अहमक को खिला दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अक्लमंद हो जाएगा। एक दो मरतबा, चार मरतबा, हफ्ता खिलाते रहें, कोई मसला नहीं, ज़्यादा मरतबा खिलाने से इसका कोई नुकसान नहीं है, लिहाजा खिलाएँ और इंशाल्लाह दुआ भी करें, नमाज की पाबंदी करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएगा और वो जो अहमक होगा, पागल जिसको बोलते हैं, इंशाल्लाह वो अक्लमंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को अपने पास महफूज रखें ताकि बार बार मुलाकात होती रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।